तो यही बोल रहे हैं कि ये सही कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पटना से पेपर कैसे ट्रांसफर हुआ है सब CGA ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और NTA का रिप्लाई भी मांगा था और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो, ये NTA को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के हैं, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे, ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है, पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे, ये सारे चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सेंसिटिविटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा SIT एजेंसी था जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि CBI सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी, और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था, और बाकी 2 चीज़ों के लिए कार्रवाई हो रही है, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा।